आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अर्जुन का वंशज, महाभारत के वीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर और उच्चारण में। शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराज अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर आनंद
आज यहाँ अपने स्वर में हम प्रत्यंगिरा स्तोत्र और महामाला मंत्र का, जिसे खड्गमाला मंत्र बोलते हैं, का यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। काला जादू हो, मारण हो, मूठ हो, चौकी हो, टोना टोटका हो, या कैसा भी दुनिया के सबसे सशक्त से सशक्त और उच्च कोटि का कैसा भी कोई कुछ किया धरा गया हो, जिसके कारण किसी मनुष्य को तांत्रिक तौर पर दैविक दैहिक भौतिक कुछ इस प्रकार के नुकसान पहुंच रहे हों, जिसका कोई इलाज संभव न रहा हो, और ऊपर की किसी शक्ति का उपयोग करके किसी मनुष्य को हानि पहुंचाई जा रही हो, तो इसमें अधिकतर मारण मंत्र, मूठ, चौकी, काला जादू या इस प्रकार की ऐसी अविचार कर्म की विद्याएं आती हैं, जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें विद्वेषण, उच्चाटन और जृंभण, इस प्रकार की क्रियाएं भी आती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के करने वाले और करवाने वालों का अंत तो खैर बहुत भयावह होता है, और उनको सुनिश्चित रूप से न केवल पतन की ओर बढ़ना पड़ता है, बल्कि उनका अंत बहुत खराब होता है। आज हम इन सब क्रियाओं के तोड़ के रूप में भी कई उच्च कोटि की साधनाएं, उच्च कोटि की सिद्धियां और उच्च कोटि के मंत्र एवं तंत्र उपलब्ध हैं, जिसमें से हम कुछ का वर्णन पहले अपनी फिल्मों में कर चुके हैं। आज हम अपनी इस फिल्म में एक अन्य विद्या का, जो कि इसी चीज़ के लिए काम आती है, इस प्रकार के प्रयोगों को तोड़ने के लिए, पलटने के लिए, काटने के लिए और उल्टा उसी पर वापस भेज देने के लिए काम आती, जिसमें माँ महाकाली की जो विद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में से कुछ एक महाविद्याएं हैं, भैरवों के जंजीरे 40 और भैरवों की मंत्र और साधनाएं, पूजा पाठ इत्यादि हैं। इसके अलावा प्रतिंगिरा की पूरा एक विधि विधान है, प्रतिंगिरा के मंत्र हैं, प्रतिंगिरा के कवच और प्रतिंगिरा स्तोत्र, महामाला, खड्गमाला इत्यादि सहित और अनेक कई प्रयोग ऐसे हैं जिनसे इस प्रकार के अविचार प्रयोग, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयोगों को काटा जा सकता है, पलटा जा सकता है, उल्टा उसी पर वापस भेजा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है। तो इसमें से हम आज यहाँ पर प्रतिंगिरा का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रतिंगिरा एक बहुत प्रभावी विद्या है इस क्षेत्र में, जो कि इस प्रकार के उल्टे सीधे कर्मों को पलटने, काटने और ध्वस्त करने के कार्य में आती है। प्रतिंगिरा का अथर्व वेद में जो वर्णन है स्तोत्र का, हम उसका भी यहाँ उच्चारण करेंगे, लेकिन कुछ हट करके मंत्र महोदधि, तंत्र महोदधि इत्यादि में जो वर्णन है उसका भी हम यहाँ उल्लेख करेंगे, और इसके मंत्र जाप का भी जो प्रावधान है, जो कि अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है, तो बाजार में या किसी तांत्रिकों के पास में
यह सिद्धों साधकों के पास में ये विद्या फैली और बिखरी हुई है। हम आज अपनी इस फिल्म में इस विद्या का एकमय रूप कर करके वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि सब विद्याओं का समाहित स्वरूप और समग्र स्वरूप का एक मंत्र बन सके और हम एक मंत्र में इन सब ग्रंथों के जो विभिन्न बिखरे हुए अंश हैं उनको यहाँ पर समाहित करके इस विद्या को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये प्रतिंगरा का जो उपाख्यान है और इन विद्याओं का जो उल्टी सीधी अभिचार कर्म और उनके लिए प्रयोग की जाती हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके तोड़ का यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे सुनेंगे और मैं महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज, महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर अपने स्वर में यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये प्रभावी मंत्र, प्रभावी विधान आपको लाभ दे, आपकी रक्षा करे और आपके ऊपर किए कराए सारे प्रयोग उलट जाएं, पलट जाएं, कट जाएं, नष्ट हो जाएं। इसी कामना के साथ इस स्तोत्र का, मंत्र का और एकमय स्वरूप का यहाँ पर मैं उच्चारण एवं वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम प्रतिंग्रा महादीर्घेति मरुत्यकार दीर्घमेन्द्युक् आवेन्दुयुत याम ब्रह्मा लोहित प तं संस्तमांसलम लपल्तिनोरय क्रूराम कृत्याम वधूमिवताम ब्रह्मस्वरूपम् सर्दी घूर्णना अस्य प्रतिंगरा मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद देवी प्रतिंगरा देवता ओम बीजम हिरीम शक्ति मम अखिला वाप्तये जपे विनियोग। इस उच्चारण के साथ में जल हाथ में लेकर के विनियोग करें और जप के लिए जो मंत्र है प्रतिंगिरा देवी का, प्रतिंगिरा देवता उनका, उस मंत्र का हम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। ॐ ह्रीं यां कल्पयन्ति नो रय क्रूरां कृत्यां वधूभिव ब्रह्मां ब्रह्माणा निर्णुध्य प्रत्यत्कर्तारमृक्षतु ह्रीं ॐ ह्रीं यां कल्पयन्तिनोरय क्रूरां कृत्यां वधूभिव वर्रां ब्रह्मणा अपनिरुध्य प्रत्कर्तारं रक्षतु ह्रीं ॐ ॐ
मिरीं यां कल्पयत् तिनोरयं क्रूरां कृत्यां वधूभिव राम ब्रह्मणापनिरुद्ध प्रत्यत्कर्तारमृक्षत्वरीं ॐ ह्रीं यां कल्पयतिनुरयं क्रूरां कृत्यावधूभिव राम ब्रह्मणापनिरुद्ध प्रत्यत्कर्तारमृक्षत्वरीं जाप का मंत्र है, ये प्रतिंग्रह का जाप मंत्र है और इसके बाद में जो माला मंत्र है और माला मंत्र का भी जो विशेष रूप से उसमें कुछ मंत्रों के उच्चारण आते हैं और वो विशेष मंत्र हैं दो, तो उनकी चूंकि अक्षर संख्या अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग उसुर में पिरोया जाता है माला मंत्र में। तो उनका जो माला मंत्र है उसके लिए जो वो है प्रावधान, तो सर्वप्रथम उसको आप सुनिए। ओ ॐ ह्रीं नमः कृष्णवासशेषतसहस्र हिंसनि सहस्रवदने महाबल अपराजिते प्रत्यङ्गिरे परसैन्य परकर्म विध्वंसिनि परमन्त्रोत्सादिनि सर्वभूतदमिनि सर्वदेवान् वेदबन्ध सर्वविद्याशिन्धविछिन्धवि शोवै शोवै परयंत्राणि स्फोटै स्फोटै सर्वश्रृंखला त्रोटै त्रोटै ज्वाला ज्वाला जिव्य कराल वदने प्रत्यंगिरे ह्रीं नमः। सिंहेति खड्गो दक्षिणे शत्रुनाशक मंत्रमा ओम सेन्दु केशव अम सेन्दव कंचन्तम तम पंचवर्णागध चंद्रान्वितं विद्युतं दारांतलं सद्योजात शशांको बिंदुत इस्ताभ्योक्तुल हिलों माया हेरीं कर्णचंद्राढ्ययऊ बिंदुयुतो त्रिर्दु सर्गी भृगु सह ब्रह्म फट स्वाहा स्वरूपम विधाता ब्रह्मा महापूर्वा पर्वताढ्य महापर्वत महासमुद्र महामग्नि महावायु महापृथ्वी महाकाशा षड देवता पार्वती हेरीं मायया दीर्घाढ्य द्या षड्गम ओम। अस्य श्री मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अष्टि छंद महापर्वत महाब्दि महा अग्नि महावायु महा अधर महाकाश षड देवता होम बीजम हेरीं शक्ति ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। जल हाथ में लेकर के और जमीन पे छोड़कर विनियोग करें। अब मंत्र है ये 16 अक्षर का है। ओम अम कम चम टम तम पम लौम रीम हुम सन हुम पट स्वाहे ॐ मं कं चं टं तं पं लौं ह्रीं हुं स हुं फट् स्वाहा।
ओम अं कं चं टं तं पं लौं ब्रीं हुं सं हुं फट स्वाहा। ये षोडशाक्षरी मंत्र है प्रतिंगरा का, इसका ये जाप इसमें यहाँ किया जाता है ये माला मंत्र में। और ये शत्रुनाशक मंत्र है और बहुत खतरनाक मंत्र माना जाता है शत्रुनाश के लिए इसको। और इसकी जप संख्या भी इसमें निर्धारित है कि कितनी होना चाहिए, और इसका पूरा विनियोग के साथ में ही विधि विधान भी है जिसका हम यहाँ उच्चारण नहीं कर रहे, क्योंकि केवल रक्षा के कार्य ही ये सब आना चाहिए और नुकसान के कार्य नहीं कोई उपयोग कर पाए, इसलिए इसका पूर्ण और विस्तृत विवरण यहाँ पर हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। किंतु इतना जो आप सुन रहे हैं इसका उच्चारण मात्र सुनना और इसके साथ धूप दीप और हवन करना, ये क्रम आपका होना चाहिए और आपको प्रतिंगरा माला मंत्र सिद्धि भी होगी और प्रतिंगरा मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होगी और आपको रक्षा प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार का किसी भी मारण मंत्र तक का अगर प्रयोग किया गया होगा, मूठ चौकी काला जादू या किसी अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयोग इसमें किया गया होगा, उससे आपको राहत प्राप्त होगी। अब हम इसका ये अन्य ग्रंथ में जो इसका स्तोत्र है अब हम उसका यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु यह स्मरण रखें कि उसके साथ इसका उच्चारण अति आवश्यक है, तब यह संपूर्ण होता है। क्योंकि अन्य ग्रंथ में थोड़ा सा भिन्न और थोड़ा सा अधूरा, और इस प्रकार से उसको कैसे संपूर्ण किया जाता है, एक रूप किया जाता है, समग्र किया जाता है, वो वर्णन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हुआ ये, अब हम प्रतिंगिरा स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आपको इसके साथ उसको लगातार में यानी कि एक रूप में पूरे को इस पूरी सीडी को बजना चाहिए, बिना किसी खंडन के, बिना किसी भिन्नता के, जो कहती हूँ यानी शुरू से अंत तक। तो अब हम प्रतिंगिरा स्तोत्र का यहाँ पर उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम ओम अस्य श्री प्रतिंगिरा स्तोत्रस्य अंगिरा ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री प्रत्यंगिरा देवता ओम बीजम हरिम शक्ति ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। हिराम रेम रूम राम राम रह षडंग्यास कुरियात। अब ध्यान मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण रूपाम बृहद रूपाम रक्त कुंचित मूर्धजाम शिरे कपाल मालांच विकेशीम गुणितान नाम रक्त नेत्रामति क्रुद्धाम लंब जिव्याम धोमुखीम दंष्ट्राम कराल वदनाम नेत्र भ्रुकुटिलक्षणाम ऊर्ध दक्षिण हस्तेन विभ्रतीं च परस्वधम अधो दक्षिण हस्तेन विभ्राणाम शूलमद्भुतम ततोर्ववाम हस्तेन धारयन्तीं महाकुशाम अधोवाम कर्णे करेणाद विभ्राणाम पाशमेव च एवं ध्यात्वा महाकृत्याम स्तोत्रमेतदुदीरयेत। कृष्णरूपाम बहुबृहद्रूपाम रक्तकुञ्चित मूर्धजाम शिरे कपालमालांच विकेशी घूणितानां नाम
रक्तनेत्रामती क्रोद्दाम लंब जिव्या मधोमुखीं दंष्ट्राम करालवदनाम नेत्र भ्रकुटिलेक्षणाम ऊर्दक्षिण हस्तेन विव्रतीं च परस्वधम अधो दक्षिण हस्तेन विभ्राणाम शूलमद्भुतम ततोर्ध्ववाम हस्तेन धारयन्ती महांकुशाम अधो वाम करेणाथ विभ्राणाम पाशमेव च एवं ध्यात्वा महाकृत्यामि स्तोत्रमेतदुदीरयेत। अब ईश्वर वाच। नमः प्रत्यंगिरे देवी प्रतिकूल विधायिनी, नमः सर्वगते शांते परचक्र विमर्दिनी, नमो जगत्त्रयाधारे परमंत्र विदारिणी, नमस्ते चंडिके चंडी महामहिष्वाहिनी, नमो ब्रह्माणी देवेशी रक्तिबीज निपातिनी, नमः कौमारिके कुंठी परदर्प निषूदिनी, नमो वाराही चैन्द्राणी परे निर्वाणदायिनी, नमस्ते देवी चामुंडे चंडमुंड विदारिणी, नमो मातर महालक्ष्मी संसारावतारिणी, निशुंभ दैत्य संगारी कालांतकी नमोस्तुते। ओम नमः कृष्णांबर शोभिते सकल सेवक जनोपद्रव कारक दुष्ट ग्रह राज घंटा संघट्ट हारी कालांतकी नमोस्तुते। दुर्गे सहस्त्रवदने अष्टादश भुजलता भूषते महाबल पराक्रमे अद्भुते अपराजिते देवी प्रत्यंगिरे सर्वार्थ सायिनी परकर्म बिंध्वंसिन परयंत्र मंत्र तंत्र चूर्णादि प्रयोगकृत वशीकरण स्तंभन जृंभणादि दोषान चयाक्षादानि शत्रूनुच्चाटनि उच्चाटन मारिणि मारिणि मोहिन मोहिन वशीकरणि स्तंभन स्तंभन जृंभणि जृंभणि आकर्षण सर्वदेवग्रह योगग्रह योगिनीग्रह दानवग्रह दैत्यग्रह राक्षसग्रह सिद्धग्रह यक्षग्रह गुह्यक ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर ग्रह गंधर्व ग्रह अप्सरा ग्रह भूत ग्रह पिशाच ग्रह कूष्मांड ग्रह गजादि ग्रह मातृग्रह पितृग्रह बेताल ग्रह राजग्रह चौर ग्रह गोत्र ग्रह शायद देवता ग्रह गोत्र देवता ग्रह आदि ग्रह व्याधि ग्रह अपस्मार ग्रह नासा ग्रह गल ग्रह याम्य ग्रह डामरिकादि ग्रहोदक ग्रह विद्योर्ग्रहाराति ग्रह छायाग्रह शल्यग्रह सर्वग्रह विशल्यग्रह कालग्रह सर्वदोषग्रह विद्रावणि विद्रावणि सर्वदुष्ट भक्षिणी भक्षिणी सर्वपाप निषूदिनी सर्वयंत्र स्फोटिनी स्फोटिनी सर्वशृंखला स्त्रोटिनी स्त्रोटिनी सर्वमुद्रा द्राविणी द्राविणी ज्वालादिव्ये करालवक्त्रे रौद्रमूत्रे देवी प्रत्यंगिरे सर्वदेहि यशोदेहि पुत्रम देहि आरोग्यम देहि भोक्ति मुक्त्यादिकं देहि सर्वसिद्धिं देहि मम सपरिवारं रक्ष रक्ष। पूजा होम जो जप होम ध्यानार्चनादिकं कृतं न्यूनमधिकं वा परिपूर्ण कुरु कुरु अभिमुखि भाव भाव रक्ष रक्ष स्वापराधमिमं स्तुता मा लक्ष्मी शिवेन परमात्मन। उवाचेदं प्रणष्टांगी शृणुष्व परमेश्वरः। ओम शिशि प्रत्यंगिरा स्तोत्र स्यांग अंगिरा ऋषि अनुष्टुप छंद श्री प्रत्यंगिरा देवता ओम बीजम हिरीम शक्ति ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोग ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां ह्रः षडन्यास कुर्यात् कृष्ण रूपां बृहद रूपां रक्तकुंचित मूर्धजां शिरः कपालमालां च विकेशीं घूर्णितान्नां रक्तनेत्रामत क्रोद्धां लंब जिव्या मधोमुखीं दंष्ट्रां करालवदनां नेत्र भ्रुकुटिलेक्षणां ऊर्ध दक्षिण हस्तेन विव्रतीं च परस्वधम अधो दक्षिण हस्तेन विभ्राणां शूलमद्भुतम् ततोर्वमाम हस्तेन धारयन्ती महांकुशाम अधो वाम करेणात विभ्रणाम पाशमेव च एवं ध्यात्वा महाकृत्यामि स्तोत्रमेतदुदीरयेत।
नमः प्रत्यंगिरे देव प्रतिकूल विधायिनि, नमः सर्वगते शांते परिचक्र विमर्दिनि, नमो जगत्त्रयाधारे परमंत्र विदारिणि, नमस्ते चंडिके चंडी महामहिष्वाहिनी, नमो ब्रह्माणि देवेश रक्तबीज निपातिनी, नमः कौमारिके कुंठी पर दर्प निषूदिनी, नमो वाराही चैंद्राणी परे निर्वाणदायिनी, नमस्ते देव चामुंडे चंडमुंड विदारिणी, नमो मातर महालक्ष्मी संसारणावतारिणी, निशुंभ दैत्य संगारी कालांतकी नमोस्तुते। ओम नमः कृष्णांबर शोभिते सकल सेवक जनोपद्रव कारक दुष्ट ग्रह राज घंटा संघट्ट हारे कालांतकी नमोस्तुते। दुर्गे सहस्त्र वदने अष्टादश भुजलता भूषते महाबल पराक्रमे अद्भुते अपराजिते देव प्रतिंगरे सर्वार्थ शाहिनी परकर्म विध्वंसन विध्वंसन परयंत्र मंत्र तंत्र चूर्णादि प्रयोग कृत वशीकरण स्तंभन जर्मृणादि दोषान चयाक्षादानि सर्वशत्रुन्नुचाटनि उच्चाटनि मारणि मारणि मोहिनि मोहिनि वशीकरणि स्तंभिनि स्तंभिन जरम्भणि जिम्रम्भणि आकर्षण सर्वदेव ग्रह योग ग्रह योगिनी ग्रह दानव ग्रह दैत्य ग्रह राक्षस ग्रह सिद्ध ग्रह यक्ष ग्रह गुह्यक ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर ग्रह गंधर्व ग्रह अप्सरा ग्रह भूत ग्रह पिशाच ग्रह कूष्मांड ग्रह गजादिक ग्रह मातृ ग्रह पितृ ग्रह वेताल ग्रह राजग्रह चौर ग्रह गोत्र ग्रह स्व ग्रहाश्व देवता ग्रह गोत्र देवता ग्रह आदि ग्रह व्याधि ग्रह अपस्मार ग्रह नासा ग्रह गल ग्रह याम ग्रह डामरिका ग्रहोदक ग्रह विद्योर ग्रहाराति ग्रह छाया ग्रह शल्य ग्रह सर्वग्रह विशल्य ग्रह काल ग्रह सर्वदोष ग्रह विद्रावणी विद्राविणी सर्वदुष्ट भक्षिणी भक्षिणी सर्व पाप निषूदिनी सर्वयंत्र स्फोटिनी स्फोटिनी सर्वशंकला स्त्रोटिनी स्त्रोटिनी सर्वमुद्रा द्राविणी ज्वाला दिव्ये कराल वक्त्रे रौद्रमूर्ते देवी प्रत्यंगिरे सर्वदेहि यशो देहि पुत्रम देहि आरोग्यम देहि भुक्ति मुक्ति आदिकम देहि सर्वसिद्धिम देहि मम सपरिवारम रक्ष रक्ष पूजा जप होम ध्यानार्चनादिकम कर्तम न्यूनमादिकम वा परिपूर्ण कुरु कुरु अभिमुख भव भव रक्ष रक्ष स्वापराधम एवं स्तुता महालक्ष्मी शिवे नम परमात्मन उवाचेदम प्रणष्टांगी शृणुष्व परमेश्वरः ये तत् प्रतिंगरा स्तोत्रम ये पठन्ति द्विजोत्तमा शृण्वन्त साधयन्ताश्च तेषां सिद्धप्रदा भवेत्। श्रीश्च कुब्जी महाकुब्जी कालिका गुह्यकालिका त्रिपुरा त्वरिता नित्या त्रैलोक्य विजया जया जिता पराजिता देवी जयंती भद्रकालिका सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मी कालरात्रि नमोस्तुते। काली कराल विक्रांते कालिका पापहारिणी विकराल मुखी देवी ज्वालामुखी नमोस्तुते। इदं प्रत्यंगिरा स्तोत्रम य पठेन्यत शुचि तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यानात्र कार्या विचरणा शत्रवो नाशमायन्ति महानैश्वर्यवान् भवेत्। इदं रहस्य परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् सर्वपापहरं पुण्यं सद्य प्रत्ययकारकं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वकां फलप्रदम्। ॐ ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। ये प्रतिंगिरा स्तोत्र था, देवी प्रतिंगिरा का महा स्तोत्र। इस प्रकार ये देवी प्रतिंगिरा का आज का विधान, सभी प्रकार के काला जादू मारण मूठ चौकी या अन्य किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए
किया गया कोई भी अभिचार कर्म इसके सुनने मात्र से और इसके साथ धूप दीप हवन करने से नष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसके अलावा इससे अन्य कई प्रकार की और भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और घर में उन्नति समृद्धि और पारिवारिक प्रेम स्नेह बढ़ता है, और भी इसके कई लाभ हैं। तो हम माँ से ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी का वे कल्याण करें, आप सभी का वे शुभ करें, आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करें। आप पर किसी ने कुछ भी किया हो, किया धरा हो, किया कराया हो, वह सब उलट जाए, पलट जाए, कट जाए, ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इसी के साथ मैं महाभारत के परम योद्धा पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में इस प्रतंगिरा स्तोत्र एवं मंत्र आदि का यहाँ पर उच्चारण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपकी कल्याण की भावना के साथ, आपकी रक्षा की भावना के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।